दोस्तों, आदाब नमस्कार वणकम सत श्री अकाल। दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ हमारे सादीपुर 11 नंबर वार्ड में। 11 नंबर वार्ड के मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे सामने में वाटर टैंकर जो है हमारे इस वार्ड में, हमारे 13 नंबर वार्ड के जो काउंसलर्स देखिए श्री सुदीप राय शर्मा जी अपने खुद टैंकर ला कर यहाँ पर जो है पब्लिक को जो है पानी जो दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा पुण्य का काम जो है कर रहे हैं। अपना वार्ड में तो ये बांटते ही है, लेकिन जो है हमारे 11 नंबर वार्ड में भी, हमारे 11 नंबर वार्ड के जो पब्लिक है आम जनता को, उनको भी जो है पानी देखिए सबको, हमारे माताएं हमारे बहनें जो पानी के दिक्कत से पूरी तरह जो पोर्टलर पूरा अंडमान परेशान है, उनको जो है रात को देखिए अभी करीबन 10 बज रहा है उस टाइम ला के पानी यहाँ पर दे रहे हैं। और साथ ही हमारा यहाँ पर जो है हमारे 11 नंबर वार्ड के काउंसलर भी मौजूद है श्री संजीव रेड्डी जी। तो आइए उनसे बात करते हैं कि जो 13 नंबर वार्ड का काउंसलर जो है 11 नंबर वार्ड में पानी जो दे रहा है वो क्या रीज़न है जो उन्होंने यहाँ पे पानी मंगा कर जो है पब्लिक को दे रहा है। सर सबसे पहले तो नमस्कार, आप बताएंगे हमारे जनता को कि क्या रीज़न था जो 13 नंबर वार्ड का काउंसलर जो है आपका 11 नंबर वार्ड में पानी आके दे रहा है। सबसे पहले तो मैं एक्सपोर्ट अंडमान का आभार व्यक्त करता हूं कि इतना समय रात के होते हुए भी आप लोगों ने यहां पर आए और यहां के लोगों की परेशानी को देख रहे हैं। आज हमने जैसे सुबह कल शाम को हमने सुदीप राय शर्मा को कहा कि हमें पानी की ज़रूरत है और हमारे वार्ड में बिल्कुल पानी नहीं है। जहां तक सादीपुर एरिया ABC कॉलोनी में बहुत पानी का मारामारी चल रहा है, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आज हम जरूर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और उन्होंने बेचारे रात को 10 बजे भी आज हमारे वार्ड में आकर देख रहे हैं आप पानी बांट रहे हैं। दूसरा सर, मैं आज ये कहना चाहूँगा कि ये पानी के किल्लत क्यों हुई, जबकि जब से हम लोग पैदा हुए आज फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि जब नवंबर महीना में पानी का बारिश होना कम हुआ, दिसंबर में हुआ नहीं, जनवरी फरवरी में नहीं हुआ, तो उसी समय हमारे जो PWD का ई है उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था कि एक दिन कट के जगह 2 दिन कटल होना चाहिए था, कटल करना चाहिए था, मगर उन्होंने आश्वासन दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को आश्वासन दिया, म्यूनिसिपल को भी आश्वासन दिया कि मैं नहीं, जून तक का आप बेफिक्र रहिए। फिर हम ये एक इंसान की वजह से, एक PWD का ई का वजह से आज पूरा जनता, पोर्ट ब्लेयर का जनता परेशान है। उसको कम से कम सजा होना चाहिए, कुछ तो कुछ उसके ऊपर होना चाहिए जो कम से कम आज जनता को मालूम पड़े कि एक का वजह से इतना लोग परेशान है। आज मैं मीडिया के जरिए ये भी कहना चाहूँगा कि मीडिया जो भी है आज बहुत खुलकर आज काम कर रही है और जनता का जो परेशानी है आप सबका सामने आप ला रहे हैं। ओके, धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे 11 नंबर वार्ड के काउंसलर सर ने जो पूरा का पूरा जो है आरोप जो है हमारे जो PWD के ई को पर लगाया, और जाहिर सा बात हो वो सही भी है क्योंकि आज जनता जो इस कदर का परेशान है पानी की वजह से कि बूंद बूंद पानी को जनता जो हमारे यहाँ का पब्लिक जो है तरस रहा है, तो जाहिर सा बात है कि उन्हीं का कुछ नकलजेंसी का वजह से आज पूरा जनता, पोर्टलर का जनता जो है आज ये भुगत रही है। और आइए हम बात करते हैं हमारे 13 नंबर वार्ड के काउंसलर श्री सुदीप राय शर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है जो हमारे 11 नंबर वार्ड के जो काउंसलर के साथ में मिलकर और यहाँ के जनता को जो है जितना भी हो सके पानी पहुँचाने का कार्य कर रहा है। तो आइए हम बात करते हैं सुदीप राय शर्मा सर। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे यहाँ का जनता को जो पानी पहुँचाया, और ये यहाँ में पानी लाने का आपका मकसद क्या था, रीज़न क्या है? सबसे पहले मैं सत्तर भाई आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इतने रात को आकर, अब करीब 10:30 हो रहा होगा, तो आकर आप पब्लिक के भलाई के काम कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको और आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि पानी का जो समस्या है वो काफ़ी, मतलब पानी आज के दिन में मिल ही नहीं रहा है। पानी मिलना, मैं लास्ट 15 दिन से 18 घंटा ये काम कर रहा हूं, लेकिन पानी का बहुत बड़ा समस्या है, पानी मिलता नहीं है। मैं जंगल जंगल जाकर लोगों से, जिनके पास कुआं है, जिनके पास डिग्गी है, उनसे मैं विनती करता हूं, मैं उनको पैसे देता हूं, लेकिन आज के दिन ये हालत है कि आप पैसे दो,
चाहे कितने विनती करो लेकिन पानी कहीं से नहीं मिल रहा है। तो कैसे कैसे मैं दो तीन वार्ड में तो मैं अपना काम कर रहा हूँ 15 दिन से। तो कल मुझे हमारे 11 नंबर वार्ड के काउंसलर संजीव भाई, इन्होंने मुझे कल रात को मुझे फ़ोन किया और रिक्वेस्ट किया कि सुदीप भाई यहाँ में प्रॉब्लम है, आप कैसे भी पानी लेके आओ। तो मैं आज सुबह 9 बजे गाड़ी यहाँ भेजा लेकिन रास्ते में आते समय VIP रोड में हमारा गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया, जिसमें काफ़ी हुआ, उसमें खर्चा हुआ। अभी रात को 9:30 बजे हमारा गाड़ी बना तो मैं रात को लेके शादीपुर बस्ती में आया हूँ यहाँ के लोगों को पानी देने के लिए। और ऐसा कोई अगर बहुत ही ख़राब समस्या है जो भी वार्ड में तो मुझे बताइए, मुझसे जो बन पड़ेगा। मैं शादीपुर नहीं, मैं काफ़ी जगह कर रहा हूँ, और भी कहीं हैं जहाँ पब्लिक 10-10 दिन 8-8 दिन पानी नहीं है जिनके पास, तो बताइए मैं आके उनको भी मदद करने का कोशिश करूँगा। लेकिन इसमें मुझे पब्लिक का सहयोग चाहिए और सहयोग होने से मैं 24 घंटा काम करने के लिए तैयार हूँ। आप पता कर सकते हैं हमारे जंगली घाट वार्ड में हर घर में पानी है, जिसको ज़रूरत होता है फ़ोन करते हैं, मैं जाके डाल के आता हूँ। तो सबसे बड़ा चाहिए कोऑपरेशन और मैं 24 घंटा काम करने के लिए तैयार हूँ। और पानी, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस किसी भी व्यक्ति के पास में पानी है, मेहरबानी करिए बताइए, ये समय लोगों का मदद करने का समय है, हम सब मिलकर साथ देने से ही काम होगा। अब हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम दे कि वो व्यक्ति नहीं किया, वो डिपार्टमेंट नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आज हमें इल्ज़ाम देने के समय नहीं है। आज जो समस्या वो तो हम झेल रहे हैं लेकिन एकजुट होकर हम इससे निपटना चाहिए। और ये दुआ करिए कि मानसून जल्दी आ जाए, इसके लिए आप लोग सब प्रेयर करिए। इतना कहते हुए मैं अपना विचार यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। देखिए हमारे सुदीप राय शर्मा जी ने कितने अच्छे से बात बताया है, कितना और कितना पुण्य का काम कर रहे हैं कि अपने पेमेंट से खरीद कर पानी कहीं ना कहीं से बिला के वो जनता का सेवा कर रहा है। तो इसीलिए मैं तहे दिल से मैं दोनों काउंसलर का मैं धन्यवाद करता हूं और हमारे यहाँ के आम जनता से भी मैं भी एक निवेदन करूंगा कि जो भी पानी है प्लीज़ जब तक हमारे यहाँ पे मानसून नहीं आ जाता है तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ कर खर्चा करिए, थोड़ा सा कंट्रोल कर खर्चा करिए। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।